हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल जो कि मैंने उत्तराखंड ट्रेडिशनल पहनावे पर किया है। इसमें मैंने वहाँ के सारे ट्रेडिशनल जो कि मैं कर सकती थी जितना मैंने वो सारा ट्राई किया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेबी जॉनसन क्रीम से फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। मैं ज़्यादातर वीडियोस में यही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजिंग के लिए। बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर जिनको यूज़ ऑयली लगता है अपना फेस ज़्यादा, वो भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरे फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं प्राइमर के लिए ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेस्ट प्राइमर है, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस पे है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद मैं आईब्रो फिल करने के लिए आईलाइनर जेल लूँगी, जो कि ये है फ्लावर्स का। इस तरीके का ब्रश इसमें आता भी है और मेरे पास है भी। इस तरीके का ही ब्रश यूज़ करना है इस मेकअप में आईब्रो फिल करने के लिए। ऐसे लाइट लाइट करके फिल करूँगी, जैसे कि हम कोई स्केच करते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इकट्ठे की क्वान्टिटी में ले लेंगे तो वो फेक आईब्रोज लगेगी। इसी तरीके से मैं अपनी दोनों आईब्रो को अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं मस्कारा ब्रश लूँगी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रश है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मस्कारा ब्रश ले सकते हैं, उसको वॉश करके अच्छे से। इससे क्या होता है, आपके जो आईब्रो के हेयर्स होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं। इसके बाद ये मैं आर्ट्स का 2-in-1 कंसीलर प्लस कॉन्टोर ले रही हूँ। इससे मैं जहाँ भी मेरे फेस पे स्पॉट्स होंगे या आईब्रो के आसपास का एरिया होगा उसे अच्छे से कवर कर लूँगी, जिससे कि स्पॉट्स वगैरह भी फेस पे जो भी हों वो हाईलाइट होके ना दिखे, बिल्कुल फाउंडेशन के नीचे अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, बिल्कुल हाइड हो जाएं। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं आई शेड लगाने से पहले अपने आईज पे पाउडर लगा लूंगी। मैं बेबी जॉनसन पाउडर लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी लूज पाउडर नहीं है तो आप कोई सा भी पाउडर लगा सकते हैं मैट लुक के लिए। इसके बाद मैं सबसे लाइट शेड ले रही हूँ ब्राउन का। अब मैं अपनी दोनों आईज की क्रीज लाइन पे अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे लाइट शेड मैं इसमें सबसे पहले यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। उसको भी सेम इसी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी, उसके थोड़ा सा ऊपर को करूँगी इसको मैं शेड। अब मैं टेप की हेल्प से अपना आई शेड कम्प्लीट करूँगी, क्योंकि टेप से क्या होता है आपका जो एक्स्ट्रा आई शेड होता है वो बाहर नहीं आता। अगर आपको आई शेड लगाना नहीं आता तो आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अब मैं ये ब्राउन शेड दोबारा फिल कर रही हूँ, जिससे कि जितने मैंने एरिया पर टेप लगा रखी है उससे बाहर आई शेड ना फैले। इसके बाद मुझे डुअल शेड का आई शेड लगाना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आईज पे, जिससे कि जब मैं कोई आई शेड कलर लगाऊं तो वो अच्छे से पॉपअप होकर दिखे, उसका जो एक्चुअल कलर है वो दिखे, नीचे का ब्राउन शेड ना हाईलाइट हो उस पे। अब मैं थोड़ा सा पिंक शेड लूंगी इसमें बीच में, थोड़ा सा पॉपअप लाने के लिए आईज पे। अच्छे से इसको भी फिर ब्लेंड कर लूंगी मैं अपनी आईज पे, उसके बाद मैं नेक्स्ट शेड यूज करूंगी। इसके बाद मैं इसे अच्छे से अपनी दोनों आईज पे ब्लेंड कर लूंगी। अब नेक्स्ट कलर के लिए मुझे शिमर आई शेड चाहिए, जिसके लिए मैं ये वाला आई शेड यूज करूंगी। इसको मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में यूज किया है, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड आई शेडो है ये। आप बहुत इजीली इसे यूज कर सकते हैं, इस पर मैंने इंडिविजुअली वीडियो बनाई है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। 36 कलर इसमें आपको मिल जाते हैं अलग अलग, और इसे आप एज अ हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं। लगाना बहुत ज्यादा ईजी है, अगर आपको नहीं लगाना आता आप इसे सिंगली एक फिंगर से भी लगा सकते हैं। बाद मैं जेल लाइनर से ही अपना लाइनर लगा रही हूँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप जेल आईलाइनर यूज करें, क्योंकि काफी टाइम तक स्टे रहता है और ये फैलता भी नहीं है, काफी अच्छा रहता है, लगाते टाइम भी काफी स्मूथ रहता है, आप इजीली इसे लगा सकते हैं। अब आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं ये टेप रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने आईलैशेस लगा ली है, मैंने ऑफ कैमरा लगा ली है। अगर आपको देखना हो कि मैंने आईलैशेस कैसे लगाई है, बहुत अच्छा ट्रिक मैंने यूज़ किया है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि अगर आपको आईलैशेस लगानी नहीं आती है फेक लैशेस, तो आप इजीली लगा सकते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं
लाइनर को दोबारा से लगा रही हूँ आईलैशेस अप्लाई करने के बाद उससे, क्योंकि थोड़ा बहुत आईलाइनर जो है थोड़ा सा साइड से मिट जाता है, तो आप उसको दोबारा से लगा लें। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे अच्छे से आई शेड अप्लाई करूंगी, जैसे कि ऊपर की साइड लाइनर अप्लाई करते हैं, काजल अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है आईज जो है बड़ी होकर दिखती है और काफ़ी अच्छा लुक आता है। मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन दोनों मिक्स करके लगाया है। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ स्केच लाइनर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटरप्रूफ होता है। ज़्यादा जो स्केच लाइनर होते हैं इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें मैं डबल विंग्स बना रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है हमारे जो विंग्स होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाती जब, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेस्ट तरीका है इसको अच्छे से लगाने का। मेरे पास ये देख सकते हैं मार्स का, आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, कंसीलर भी होता है इसमें, कॉन्टोर भी होते हैं, अलग अलग शेड होते हैं लाइट डार्क। अब मैं इसे लाइनर के ब्रश में, मेरे पास एडिशनल ब्रश है, अगर आपके पास ना हो आप लाइनर का ब्रश ले सकते हैं, और इस तरीके से अपने जो विंग्स हैं इनके बीच में एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इसे ईजिली लगा सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं मैंने लगा कर भी दिखाया है। अगर आपके विंग्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं, दो विंग्स आपस में जुड़ जा रहे हैं डबल वाले, तो आप इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करके अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने ब्लू हेवन का काजल लगाया है अभी फिलहाल। इसके बाद मैं फाउंडेशन की जगह ओलिविया की ये स्टिक ले रही हूँ, क्योंकि अगर समर टाइम पे आप मेकअप कर रहे हैं तो ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, लाइट वेट है, और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी स्किन से बिल्कुल मैच हो रही है। काफ़ी स्मेल भी इसकी, फ्रेगनेंस जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके फेस में कुछ हैवी सा लग रहा है। मैं इसे ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि वाटरप्रूफ है तो इसमें स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कहीं से भी आपका काला नहीं पड़ता, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रहता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप कभी भी कोई कॉम्पैक्ट लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो अगर आप ब्रश से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। इसके बाद मैट फिनिशिंग के लिए मैंने एक बार पाउडर लगा लिया है इसमें ऊपर से, लूज़ पाउडर की जगह मैंने नॉर्मली पाउडर यूज़ किया है। अब ये इसमें से मैं ब्राउन शेड जो मैंने अभी आपको दिखाया था मास्क का, ब्राउन शेड लेके कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस पे। इसमें आपको कॉन्टोर के लिए भी दो शेड मिल जाते हैं, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, जैसा आपको लगे सही आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें एक लाइट पिंक शेड मिल जाता है, कंसीलर भी मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें कॉन्टोर के बाद बीच में नोज़ पे अपना कंसीलर यूज़ करूँगी, जिससे कि नोज़ की शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट होके दिखे। और इसके बाद मैंने जो साइड वाला एरिया है इस पर भी कंसीलर लगा लिया है, जिससे कि नोज़ की शेप ना बिल्कुल परफेक्ट आए। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए कॉम्पैक्ट वाला हाइलाइटर ले रही हूँ। इसे लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, अगर आप इसे लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको लगाने में कंफर्टेबल भी होगा और कहीं से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छे से आपके जो फेस है उसमें ब्लेंड हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी को ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। लिपस्टिक लगाने से पहले, लिप लाइनर लगाने से शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और लिपस्टिक से एक शेड थोड़ा सा डार्क होना चाहिए लिप लाइनर, तभी आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत परफेक्ट दिखता है। अब मैं जो लिपस्टिक यूज़ करूंगी इसमें मैं दो शेड यूज़ करूंगी। सबसे पहले मैं डार्क शेड रेड यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ये मैरून टाइप का भी हो जाता है तो ये शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैंने जहाँ तक है ये ऑफलाइन परचेज करी है। और इसके बाद मैं पिंक कलर की लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ, जो कि मैं बीच में अच्छे से लगा रही हूँ। इससे क्या होता है डुअल शेड काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने पूरा मेकअप कर लिया है, इसके बाद मैं आईब्रोज़ को एक बार अच्छे से दोबारा स्मच करूँगी। अब मैं पिंक कलर का आई शेड ले रही हूँ अपने फेस पे ब्लश लगाने के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मली ब्लश यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने परचेज़ भी नहीं किया है, इसलिए मैं पिंक कलर का ही आई शेड यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने बिंदी भी लगा ली है, मैंने सिंदूर भी अच्छे से भर लिया है। अब मैं हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी आपको। अभी मैं आपको हेयर स्टाइल रफली बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे से बना के दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
इसके बाद मैं अपना मांग टीका अटैच करने के बाद पफ लगाऊंगी। आर्टिफिशियल पफ है जो कि आपको इजीली मार्केट में 40-50 रुपीज़ में मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसके अलावा मैं बालों में ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि ये चीज़ अच्छे से कवर हो जाएगी दुपट्टे से, तो इसलिए मैं नॉर्मली आपको जूड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। अब मैं अपने बालों को अच्छे से टाई करके जूड़ा बना लूँगी और फाइनल लुक क्रिएट होने के बाद मैं इमेज इसमें अटैच कर दूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो जब बनाई तो उसमें क्लियरिटी ना आने की वजह से मैंने वीडियो को ड्रॉप करके पिक क्लिक्स कर ली थी और मैं वही पिक जो है पिक्चर सारी इसमें अपने ऐड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी लेडीज वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।